कोरोना के संक्रमण के खतरे के साथ साथ बिहार में बाढ़ का खतरा भी शुरू हो गया है। नेपाल के तराई और बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से राज्य में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। उत्तर और पूर्वी बिहार के गंडक और कोसी प्रभावित क्षेत्रों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। प्रदेश के 8 जिलों में करीब 38 प्रखंडों में 217 पंचायतों के 4 लाख से ज़्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। तो सोमवार तक 32 प्रखंडों की 156 पंचायत बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लगातार हो रही बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण स्थिति और गंभीर होती जा रही है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए बचाव और राहत कार्य आपदा प्रबंधन विभाग और जिलों के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दे रहे हैं, लगातार आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और उन्होंने बाढ़ ग्रस्त इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का निर्देश दिया है और एनडीआरएफ की टीम इस काम में जुट गई है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। उनके लिए सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं ताकि उनको खाने पीने की कोई असुविधा ना हो। सामुदायिक किचन में 36,947 लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। तो हर जिले में इस तरह के सामुदायिक किचन शुरू किए गए हैं। साथ ही राहत शिविर लगाए जा रहे हैं। नेपाल में भारी वर्षा के कारण वाल्मीकि नगर में गंडक बराज के दबाव की वजह से ये बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। नेपाल में भारी वर्षा के कारण वाल्मीकि नगर में गंडक बराज से रिकॉर्ड 4.25 लाख घनसेक और वीरपुर में कोसी बराज से 3,20,000 लाख घनसेक पानी छोड़ा गया है। इससे उत्तर और पूर्वी बिहार में गंडक और कोसी प्रभावित क्षेत्रों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जल संसाधन विभाग के इंजीनियर तटबंधों पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल की सरकार ने गंगा का पानी निकालने के लिए फरक्का बांध के कुछ गेट भी खोल दिए हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी फरक्का में लाल निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। बिहार में बक्सर से कहलगांव तक गंगा भी लाल निशान के ऊपर नीचे बह रही है। फरक्का गेट में गेट खोले जाने से गंगा का जलस्तर बिहार में और नीचे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि उत्तर बिहार के 8 जिलों की 190 पंचायतों के 3.5 लाख लोग बाढ़ से अब तक प्रभावित हो चुके हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के 8 जिलों में 190 पंचायतों के 3.5 लाख लोगों को राहत और बचाव के लिए व्यवस्था की गई है। तो बिहार में बाढ़ का कहर शुरू हो चुका है। तो एक तरफ कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ बाढ़ का कहर। बिहार के लोग वाकई आफत में हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि जो बाढ़ में फंसे हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है और वो किस तरह की मदद कहाँ से ले सकते हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन और एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1,000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। आवर हार्ट नेवर हार्डन्स, आवर टेम्पर नेवर टायर्स, आवर टच नेवर हर्ट। वी वैल्यू व्हाट वी डू। वी एट पारस वर्क फॉर कॉज, नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।